दर्शक बंधु पाकिस्तान सांप्रतिक परिस्थिति क्या कह छपा नुह एवं पाकिस्तान रे गोटे पटरे लगातार राजनैतिक अस्थिरता गति करें पटरे आतंकवाद एवं द्वितीय एठाकार बढ़ुवा दिनकू दिन महंगा बोझ एवं अनेक प्रकार सामाजिक समस्या पाकिस्तान गुड़े तुड़े हुई आगक गति कर उद्धार पाइबाकू हेले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रा आवश्यकता बा जहाकू IMF रो साहाय्यर आवश्यकता यह पाकिस्तान बारंबार प्रचेष्टा करुथिले मध्य दिनकू दिन IMF रो नुआ नुआ शर्त आरोप नहीं एक चांचल्यकर खबर वर्तमान पहुँची एवं IMF तरफ कहुई कि पाकिस्तान को जदि IMF रो साहाय्य दरकार ताहले पाकिस्तान प्रथमतः निजर मिलिटारी बजेट रु 15% कम करू एवं द्वितीय पाकिस्तान निज मिसाइल रो जो मिसाइल निर्माण करुची पाकिस्तान परमाणु मिसाइल यार रेंज को कम करू एवं लगातार भाव में यह दुईटी घटना को विरोध करिसंती पाकिस्तान अर्थमंत्री इसाकदार। प्रथम कथा हला प्रश्न तो ये उठुची जे IMF गोटे देशर परमाणु मिसाइल रेंज को कमेवा कहबो काहेकी एवं द्वितीय कथा हला एटा स्वतःसिद्ध कथा कि पाकिस्तान रो एभली हालत रे जो बजेट तैयारी होची बा व्यय बराद रहुची एथिरु प्राय पाखापाखि 60-70% पाकिस्तान मिलिटारी ही निजपाई नहीं जाए अवशिष्ट जो रहिला एथिरे देश चलाइवाकू पड़े। ए हिसाब रे संभवतः IMF या कहि थाई पारे कि पाकिस्तान मिलिटारी पई जो व्यय बराद रहुची एथिरे 15% रो कम करा जाओ बाकी एथिरु बळुथुवा टंका रे देश को परिचालना करबा पई एही टंका को खर्च करा जाओ किंतु मिसाइल रो रेंज को कम करबा पई IMF कहबो केमिति एवं ए नै जते बेले पाकिस्तान रो गणमाध्यम लगातार एक कथा छापीबा को लागिला एवं कहबा को लागिला कि सरकार IMF रो कोनोसी प्रकार रो प्रस्ताव उपरे सबुज संकेत देउ नाहंती एवं सबुटु बड़ कथा हला सरकार कहबा को चाहंती कि सेमानकर मिसाइल परीक्षण रे सेमाने IMF रो कोनोसी सर्त को मानिबे नाही कारण यह देश सुरक्षा उपरे जड़ित। किंतु सबुटु गुरुत्वपूर्ण कथा हला IMF एक कथा केतेबेले कहिला एवं पाकिस्तान रो मंत्री यार जवाब केतेबेले देले उभय पक्षर कोनोसी दलील किंबा दस्तावेज बा कोनोसी प्रकार रो नोटिफिकेशन एपर्यंत कागज कलम बा लेखा आकार रे कहा पाखरे पहुंची नाही तेणु ए घटना रे प्रकृत पछरे किए रहिछि एमिति भी एक आकलन करा जाउची कि ए जो इशाकदार वक्तव्य रही बयान रही कि पाकिस्तान निज सुरक्षा पई केबे हेले IMF सहित संधि करिबो नाही बा कोनोसी हाल रे मिसाइल परीक्षण मिसाइल रेंज को कम करिबो नाही ए जो बयान रही यह केते बेले देले एवं कहा पई देइचंती संभवतः यह आकलन करा जाउची कोनोसी एक बाह्य देशर एभली बयान रही कि पाकिस्तान एभली किछि कार्यक्रम ग्रहण करू ताहले जाई IMF पाकिस्तान को यथासंभव साहाय्य करिबो। तबे ए तो गला घटनाक्रम किंतु अन्य पटरे आउ एक विश्लेषण मध्य पहुंची पाकिस्तान रो जने पूर्वतन जनरल कहिसंती कि पाकिस्तान तो अनेक परमाणु मिसाइल रखिछि बाबर कहंतु शाहीन कहंतु किंतु शाहीन 3 उपरे तांकर एक वक्तव्य जहा समस्त को चमकी देछि। पूर्वतन जनरल कहबा कथा होछि पाकिस्तान रो जे शाहीन 3 मिसाइल पाकिस्तान जहा निर्माण स्तर रखी यह 12 मिनिट मध्य इज्राएल को उड़े देवार सामर्थ्य रखे एवं यार रेंज है 2750 किलोमीटर अर्थात यह मिसाइल जदि गति करिवो ताहले भारत को तो पूरापूरी वायुसीमार कभर कर सीधा सड़क जाए इज्राएल उपर पड़ार संभावना रही जहाँकि पूर्वतन जनरल को बयान अनुजाई 12 मिनिट्रे इज्राएल खत्म हो जितेबाला चर्चा बाहर को आसला समस्त इज्राएल राजनीतिक नेता माने व्यस्त हो पड़े आम समस्ते जाचे जितेबाला इज्राएल प्रसंग आसे अमेरिका एक्टिव हो जाए एवं लगातार यह पछरे एक अनुसंधान आरंभ होगला। संभवतः पाश्चात्य राष्ट्र माने यह चाहती कि कौनसी बाटर भी पाकिस्तान परमाणु मिसाइल को नहीं अधिक अग्रगति न करू एथिरे दुईटी विपद। प्रथम कथा हला भारत सह पाकिस्तान जो भली शत्रुता रही जदि भारत को शांति रखा हेले पाकिस्तान शक्ति सामर्थ्य खास कर परमाणु मिसाइल को नहीं यह कम करने पड़ो। द्वितीय कथा हला कि एमती न हो कि आसंता काली अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिशिगला परे अफगानिस्तान को हाथ में जदि परमाणु मिसाइल पड़े ता परवर्ती अवस्था कौन हम। आउरी एक प्रसंग जोड़ा जाई देखागला कि निकट रे ईरान और साउदी अरेबिया लगातार जो बंधुत्वर हाथ मिलती चीन जरिया चीन हूँ पाकिस्तान बड़ भाई सदृश्य। तेणु मोटामोटी भाव में परोक्षरे साउदी अरेबिया ईरान चीन और पाकिस्तान एक गठबंधन जहाँ को देखा जाऊना एभली निर्माण न होवार कौनसी प्रकार वातावरण जे हेबना एक कथा को अस्वीकार करहबना। एवं लगातार ईरान निजक परमाणु राष्ट्र करने चाहिए। एभली क्षेत्र में पाकिस्तान चीन ईरान साउदी अरेबिया जदि मिशंती आगामी दिन में इज्राएल तो विपद परोक्षरे अमेरिका विपद सृष्टि होवार संभावना रही। तेणु एभली एक आकलन में परोक्षरे पर्दा पछरे एक विराट राष्ट्र आईएमएफ द्वारा एभली पाकिस्तान उपरे चाप विस्तार करने चेष्टा करुच्ची कि एवं ए नहीं मध्य एक विश्लेषण सामना को आसी। तेणु आईएमएफ लोन पाइबा को हेले पाकिस्तान निजर परमाणु मिसाइल परमाणु बम बनैवा निश्चित मात्रा रे बंद करने को पड़ो। यह दीक्षित दलील आकार न आसी एभली एक खबर जहाँ पाकिस्तान गणमाध्यम चर्चार विषय वस्तु हो रही। तेणु आगामी दिन में ये घटना केमिति साफ होउची एवं खास करी इज्राएल एबे निहाती मात्रा रे पाकिस्तान रो गतिविधि उपरे केमिति नजर रखुची ताहा मध्य देखिबाकू बाकी रहिला। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। DTV ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाइ दियंतु।